मम्मी पापा आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे बेटा तुम्हारा पैर कैसे है? अब बहुत बेहतर है, फिक्र ना करें। करें पापा मुझे आपसे कुछ काम था, कुछ बोलो बेटा। पैसे चाहिए थे। खैरियत बेटा, क्यों चाहिए और कितने चाहिए? सब खैरियत है। मैं हायर भाभी को सरप्राइज हनीमून गिफ्ट करना चाहती हूँ, यही तो उनका टाइम है एज अ न्यूली वेड कपल घूमने फिरने का। अरे वाह, ये तो आइडिया बहुत अच्छा है। एक्चुअली बेटा मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी अपने भाई और भाभी के लिए इस तरह सोचती है। क्यों ना सोचूं? भाई भी तो मेरा इतना ख्याल करते हैं। बेटा पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। देखा, मैं आपसे कहती थी ना, मेरी बेटी इतनी बुरी नहीं है। इसके मिजाज में काफी तब्दीली आ गई। और ये पिक्चर कैसी है? ये इतनी अच्छी नहीं है, ये पिक्चर अच्छी। हाँ हाय, अस्सलाम वालेकुम भाभी, डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने आपको? अब डिस्टर्ब कर दिया तो आजो। नहीं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। ओके आ जाती हूँ। मैंने पूछना था कि आप भाभी को हनीमून पे कहीं ले जा रहे हैं कि नहीं? कहाँ लेकर जाना चाहिए जनाब? किसी अच्छी जगह पे, किसी एक्सोटिक लोकेशन पे, राइट? क्योंकि भाभी तो कुछ कहे ही नहीं, उनके यहाँ तो कहीं ऐसी जगहों पे जाया नहीं जाता। ठीक है सर, हम सोचते हैं इसके बारे में। सोचते हैं? आपको मेरे होते हुए कुछ सोचने की जरूरत है? मैंने आपका सारा ट्रिप प्लान कर दिया है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। 4 दिन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। क्या? जी मेरे भाई, आपका हनीमून पैकेज मेरी, पापा और मामा की तरफ से गिफ्ट है और 4 दिन के अंदर आपको डिटेल्स आ जाएगी। बहुत प्यारी है मेरी बहन, इतने बड़े बड़े काम करने लगी है, वो भी भाई से पूछे बगैर। थैंक यू, लव यू भाई, एंजॉय भाभी। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि सहरिश हमारे लिए सब कुछ प्लान करेगी। सच अ स्वीट सिस्टर। वाकई बहुत प्यार करती है आपसे। लेकिन इसका क्रेडिट ना तुम्हें भी चाहता है। इतने कम टाइम में तुम इस तरह उसे घुल मिल गई, वरना सहरिश को किसी से भी इतना कंसर्न नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि उससे कई ज्यादा मोहब्बत आप करते हैं उससे। क्या मतलब? मतलब ये कि नई नवेली दुल्हन सामने बैठी है और अभी भी अपनी बहन की बातें कर रहे हैं आप। जेलस हो रही हो? मैं क्यों जेलस होंगी आपकी बहन से? अच्छा मुझे पिक्चर दिखाएं।